इस मुल्क जबाना बोलते हैं अपनी जबान के तहफ़ वास्ते अपनी जबान को तरबियत पहुँचाने वास्ते इस किस्म की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हो रही हैं जिसे इन्होंने पंजाब से भी इनकार किया जिसने मेरा इंडिपेंडेंट प्रेस क्लब इन्होंने मैं मुबारकबाद पेश करना और वो कि बड़ी अच्छी जबान है मीठी जबान है अगर आज तो पिछले दौर से पंजाबी ड्रामे देखे जाबी फिल्म देखिया जा दिल खुश हों लेकिन अज के दौर से जो चीज़ा नहीं है लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हैं साड़ी जी आने वाली नस्ल या मौजूदा नस्ल है उन्होंने लफ्ज भी समझ नहीं आते मेरे अपने घर के मेरे बच्चे मैं अक्सर कहें हालांकि मैं खुद पंजाबी लाल हवेली बोलना किसी सरकारी मीटिंग होवान उ उर्दू बोलनी पैंती है तो वह मैं अक्सर कहते हैं कि बाबा जो उर्दू बोलने वाला जो दो लफ्ज पंजाबी बोले तो जिस तरह लगता है कि अंग्रेज बाहरों आके उर्दू की जबान बोल रहा है तो उस तरीके बोलता लगता है समझते हैं कि पंजाब जो बच्चा रहता है पढ़ता लिखता है कॉलेजों स्कूलों यूनिवर्सिटियों में समझना इस किस्म के लैक्चर होने चाहिए है इस किस्म दानफ्रेंसा होनी चाहिए हैं कि जेडे जेडे सूबे की जबान है उसकी जबान तकबीत मिलनी चाहिए बाकी मैं थोड़ी सगीर साहब मेरे भाई ने ते इस शहर से शेख रशीद साहब की जी खिदमात है वो तमाम लोगों अगर तुम इतने मुकामी काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं किसी को डकी चुपिया नहीं है अलहमदुल्ला असी शहर की खिदमत की सियासत की है असी शहर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हस्पताल बनाए हैं असी शहर नई एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं असी अलहमदुल्ला मैं ये कह सकता कि साडा जो शहर रावलपिंडी शहर है पंजाब का एक हिस्सा है कि अज तो असी 25 साल पहले एजुकेशन के 27वें नंबर पर सी यानी कि असी 27वें नंबर साडा शुमार हुंदा सी अज अलहमदुल्ला पंजाब भी पूरे पाकिस्तान के रावलपिंडी का जो एजुकेशन लिटरेसी जो पढ़ाई लिखाई है और शुमार नंबर वन है कि शहर की बेटी बेटी है वह पढ़ी लिखी है अज शहर की बेटी ने स्कॉलरशिप हासिल किया है इस शहर की बेटियां एसी डीसी बनकर इस मुल्क कौम की खिदमत कर रही हैं और अलहमदुल्ला जरा तरक्की का सफर शुरू किया है जारी सारी रखांगे आज पूरे मैं इसलिए कहना कि पंजाब च पाकिस्तान वाहिद रावलपिंडी का शहर है जिदी तारीख है जिदी हिस्टरी है वो हिस्टरी जी जो हिस्टरी लिखण वाले लिखणगे वह पंजाबी लिखणगे अगर रावलपिंडी की तारीख लिखना शुरू करे तो उस तारीख के अज तो 100 साल बाद भी शेख रशीद का नाम इस शहर जिंदा होगा कि उस तन तना शख्स ने कले कले होकर इस शहर की खिदमत की और इस शहर झालत तो कढ़िया और एक पढ़िया लिखे शहर बनाया।